नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे 1 अगस्त से हमारे जीवन से जुड़े हुए कौन कौन से नियमों में बदलाव हो रहा है और उसका असर हमारी जेब पर कितना पड़ेगा। 1 अगस्त से कई बड़े नियमों में बदलाव होने जा रहा है, इसका सीधा असर हमारी जेब पर पड़ेगा। इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा 1 अगस्त से बैंक हॉलीडेज पर सैलरी का मिलना, सिलेंडर की नई कीमत जारी होना, ATM से पैसे निकालना होगा महंगा, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस के नियमों में होगा बदलाव, ICICI बैंक के ग्राहकों से जुड़े प्रमुख बदलाव शामिल है। आइए अब हम इन सभी बदलावों को विस्तार से एक एक कर जानते हैं। 1 अगस्त 2021 से जो बदलाव होने हैं उसमें सबसे पहला है, अब छुट्टी के दिन में भी आ सकेगी सैलरी। भारतीय रिजर्व बैंक की माने तो 1 अगस्त 2021 से ब्लैंक पेमेंट सिस्टम, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस यानी कि NACH सप्ताह के सभी दिनों में उपलब्ध होगी। अब तक की सुविधा सप्ताह के कार्य दिवस में ही उपलब्ध थी, इससे छुट्टी के दिन भी खाते में सैलरी आ जाएगी। ATM चार्ज में होगा बदलाव। RBI के नए नियम के अनुसार अब ग्राहक अपने बैंक के ATM से हर महीने 5 मुक्त ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, इसके बाद निकासी पर चार्ज देना पड़ेगा। इसके साथ ही 1 अगस्त 2021 से कॉमर्शियल बैंकों के वित्तीय लेनदेन के लिए प्रति लेनदेन इंटरचेंज शुल्क 15 रुपये से बढ़ाकर 17 रुपये और सभी केंद्रों में गैर वित्तीय लेनदेन के लिए 5 रुपये से बढ़ाकर 6 रुपये करने की अनुमति हो गई है। RBI ने बैंकों के अगले साल से नकल और गैर नकद ATM लेनदेन के लिए मुफ्त मासिक सीमा से अधिक शुल्क बढ़ाने की भी अनुमति की है। RBI ने यह भी कहा है कि मुफ्त लेनदेन की मासिक सीमा से अधिक होने पर ग्राहकों से 1 जनवरी 2021 से 20 रुपये के बजाय प्रति लेनदेन 21 रुपये का भुगतान करना होगा। ICICI बैंक से पैसे निकालना होगा महंगा। ICICI बैंक के ग्राहकों के लिए यह खबर बहुत जरूरी है। 1 अगस्त से हर महीने 4 बार खाते से पैसे निकाल सकते हैं, इससे ज़्यादा बार पैसे निकालने पर एक ट्रांजेक्शन के हिसाब से 150 रुपये देने पड़ सकते हैं। वैल्यू लिमिट यानी कि निकासी और जमा में होम ब्रांच और नन होम ब्रांच दोनों ही ट्रांजेक्शन शामिल किए गए हैं। होम ब्रांच से 1 अगस्त से ग्राहकों के लिए होम ब्रांच वैल्यू लिमिट 1 लाख रुपये प्रतिमाह अकाउंट होगी। उसके साथ ही 1 लाख से ऊपर हर 1000 रुपये पर 5 रुपये चार्ज देना होगा या फिर न्यूनतम 150 रुपये है। वहीं नॉन होम ब्रांच के लिए हर दिन 25000 रुपये कैश ट्रांजेक्शन पर कोई चार्ज नहीं वसूला जाएगा। इसके बाद से हर 1000 रुपये पर 5 रुपये चार्ज देना होगा, न्यूनतम 150 रुपये है। थर्ड पार्टी कैश ट्रांजेक्शन के हिसाब से अगर हम बात कर लें तो प्रति ट्रांजेक्शन 25000 रुपये की लिमिट तक 150 रुपये प्रति ट्रांजेक्शन 25000 रुपये से अधिक की अनुमति नहीं है। इसके बाद सीनियर सिटीजन कस्टमर के लिए 25000 रुपये प्रतिदिन की सीमा लागू की गई है, किसी भी तरह की कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो ये थे 1 अगस्त से होने वाले बदलाव, जिसमें कि ICICI बैंकों के में सबसे बड़ा बदलाव की बात जो है वो कही गई है। इसके साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि 1 अगस्त से जो है रसोई गैस के सिलेंडरों में भी दामों में बदलाव होने की संभावना जताई गई है। इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात जो है 1 अगस्त से जो होनी है उसमें यह कहा गया कि कार्य दिवस के अलावा जिस दिन छुट्टी होगा अगर सप्ताह में, उस दिन भी सरकारी बैंकों के खातों में जो है पेंशन या फिर वेतन ये सब उपलब्ध होंगे। तो ये थी 1 अगस्त तक के होने वाले हमारे जीवन से जुड़े हुए बदलाव। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे इन खबरों के लिए बने रहे बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।